और उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुई हिंसा के बाद आज कर्फ्यू जारी है, तो हिंसा के आग में भड़कने वाले और इसको भड़काने वाले के खिलाफ अब एनएसए लगेगा। बनभूलपुरा हिंसा में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है तो 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हैं जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। शुक्रवार को हल्द्वानी पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीड़ितों से मुलाकात की और कहा कि पुलिस ने आरोपियों को चिन्हित करने की कार्यवाही शुरू कर दी है और एक एक चेहरे की पहचान की जा रही है, उनसे नुकसान की भरपाई भी कराई जाएगी। और इस बीच आज जमीयत उलेमाए हिंद का डेलीगेशन हल्द्वानी जाने वाला है। ये डेलीगेशन पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेगा। इधर बनफुलपुरा में हिंसा के बाद धीरे धीरे हालात भी सामान्य हो रहे हैं और किसी नई हिंसा की खबर आज नहीं आई है, लेकिन प्रशासन ने कर्फ्यू लगा रखा है। दरअसल हाईकोर्ट के आदेश के बाद गुरुवार को अवैध मदरसों को तोड़ने पहुंची प्रशासन की टीम पर पथराव के बाद हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हिंसा भड़क उठी थी। भीड़ ने कई बार शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया और उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी किए गए हैं। अब इलाके में पुलिस का कड़ा पहरा है, शांति की कोशिशें जारी है। हल्द्वानी हिंसा के दोषियों पर कड़े एक्शन की बारी। दंगाइयों को आगजनी और पत्थरबाजी पड़ेगी भारी। उत्तराखंड के अमन के दुश्मनों पर एनएसए की तैयारी। उपद्रवियों पर एनएसए लगाने की तैयारी की जा चुकी है। इन तस्वीरों में दिख रहे एक एक उपद्रवी की पहचान की जा रही है। पुलिस की टीमें धरपकड़ कर रही हैं। यानी शहर का ये हाल करने वालों को अब इसका अंजाम भुगतना होगा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुद हल्द्वानी पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की और शहर का हाल जाना। बनभूलपुरा क्षेत्र में जब पुलिस की टीम प्रशासन की टीम अतिक्रमण को हटाने के लिए गई थी, वहां पर सुनियोजित तरीके से बमों से, कट्टों से, पेट्रोल बमों से, पत्थरों से प्रशासन की टीम पर बहुत आगजनी भी हुई, हत्या करने का प्रयास भी हुआ, आगजनी हुई। और यहाँ के जो उत्तराखंड राज्य का जो माहौल है उसको ख़राब करने का कुछ लोगों ने काम किया है, उनके खिलाफ कानून सख्ती से काम करेगा और पूरी घटना के जो वीडियो फुटेज हैं वो निकाले जा रहे हैं। जिन लोगों ने भी सरकारी संपत्ति को और जो लोगों की निजी संपत्ति उसको नुकसान पहुंचा है, उन्हीं से उनकी भरपाई होगी। पूरे हल्द्वानी में इस वक्त 1500 से ज्यादा पुलिस के जवान तैनात हैं। सुरक्षा की दृष्टि से 4 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स और 4 कंपनी पीएससी के जवान सेंसिटिव इलाकों में फ्लैग मार्च कर रहे हैं। उत्तराखंड की चीफ सेक्रेटरी खुद बनभूलपुरा में उस जगह पर पहुंची जहां हिंसा हुई थी। दंगाइयों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जो हमारे देश का कानून है उसको बहाल किया जाएगा। पहले देखिए, हम लोग पूरी सिचुएशन को अच्छे से स्टडी करके और लीगल पॉइंट्स क्या हैं और सरकार की जो इकबाल है उसको कैसे एस्टैब्लिश करना है, सरकार के अगेंस्ट अगर कोई भी कार्रवाई होगी तो जो भी उसमें क्रिमिनल लोग हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। गुरुवार को हल्द्वानी में मलिक के बगीचों इलाके में सरकारी जमीन पर बने अवैध मस्जिद और मदरसे को ध्वस्त किया गया। इस दौरान साजिश के तहत पुलिस पर हमला किया गया, पेट्रोल बम फेंके, छतों से पथराव किया, थाने को घेर कर पुलिस कर्मियों को जलाने की कोशिश हुई। ना उकसाया नहीं गया, जो ध्वस्तीकरण के लिए वो लोग शुरू से ही पथराव कर रहे थे, पुलिस तो बस उनको पीछे हटा रही थी, बस उकसाने का कोई काम नहीं था, पुलिस केवल पीछे हटा रही थी। पत्थर पता नहीं कितने लगे, कुछ समय तो गिनती नहीं है पत्थरों की। हेलमेट सर में तो बहुत ही ज्यादा लगे। अच्छा, हेलमेट लगाया हुआ था? हेलमेट हमने लगाया, पूरी हमारी सेफ्टी थी इसलिए हम बचे हैं। हाँ, एक ही रास्ता था इसलिए वहाँ पर छोटी छोटी गलियाँ थे उनमें फंस गए अलग अलग तरीके से। खिड़कियों से और घरों से पत्थर आ रहे हैं? सामने से ही आ रहे थे पत्थर और ऊपर से, मतलब जहां से भी हो रहा था निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था वहां। हल्द्वानी हिंसा की अगली सुबह प्रशासन ने वीडियो फुटेज के जरिए साफ कर दिया कि बनभूलपुरा में पुलिस पर हमले की प्लानिंग 30 जनवरी के बाद शुरू हुई। इसके लिए घरों की छत पर पहले से ही पत्थर इकट्ठा किए गए। नैनीताल के डीएम ने 30 जनवरी का वीडियो दिखाकर यह क्लियर कर दिया कि 30 जनवरी के एरियल फुटेज में
बनभूलपुरा के किसी भी घर की छत पर पत्थर रखे नहीं दिख रहे थे। पत्थर बरसाने शुरू करे गए चारों तरफ जो छतें हैं उनके माध्यम से। मैंने आपको 30 तारीख की फुटेज दिखाई, किसी छत पर कोई पत्थर नहीं था। तो जिस दौरान ये सारी विधिक प्रक्रिया चल रही थी, जब हम सुनवाई कर रहे थे, माननीय उच्च न्यायालय सुनवाई कर रहा था, तो छतों पर पत्थर उस दौरान इकट्ठे करे गए। इसका मतलब इट वॉज प्लान्ड कि जिस दिन भी डिमोलिशन ड्राइव होगी हम उस दिन इस तरह से फोर्सेस को अटैक करेंगे, इस तरह से डिमोरलाइज करने की कोशिश करेंगे स्टेट मशीनरी। इधर हल्द्वानी की हिंसा की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई कि सियासत शुरू हो गई। एसपी चीफ अखिलेश यादव ने एक्सपोस्ट के जरिए धामी सरकार पर निशाना साधा, तो इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख तौकीर रजा ने पूरी घटना के लिए उत्तराखंड के सीएम को दोषी ठहरा दिया। अब किसी किस्म का बुलडोजर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम जितने अपने नौजवानों को कंट्रोल कर सकते थे कर चुके हैं। अब हल्द्वानी में जो रिएक्शन दिया गया है उसके नतीजे आपने देख लिए। अगर जबरदस्ती वहां बुलडोजर ना चलाए, धामी उसका जिम्मेदार रहे, धामी के खिलाफ उस एफआईआर होनी चाहिए, उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए, और जिन लोगों की वहां संपत्ति नष्ट हुई है उन लोगों की संपत्ति धामी की जायदाद जब्त करके उससे उसकी भरपाई की जानी चाहिए। अवैध रूप से किस तरीके से अवैध रूप से था, यानी 600 साल पहले अवैध रूप से जब बना था तो क्या क्या बेस है अवैध रूप से। और जब अदालत ने कोर्ट ने कहा है कि इस चीज़ को रखा जाए कि वहाँ पे केस चल रहा है, तो फिर जो है वो कैसे हो सकता है। पहाड़ का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले हल्द्वानी में शांति कायम होने का इंतजार है, साथ ही अमन के शहर को राख में बदलने वालों पर कड़े एक्शन की मांग भी हो रही है।